गर्दा उड़ा करके यहाँ पे भीड़ लगता है गाइस। अब भीड़ हट ही नहीं रहा है, देखिए काफी भगदड़ है गाइस यहाँ पे। अगर खाना खाए हुए तो भी प्याजी का सेंट आता है, खा लेते हैं। अच्छा तभी तो बार साथ कंटिन्यू खा रहे हैं लोग, इसे कचौड़ी गली भी कहते हैं बहुत। यहाँ कचौड़ी, सिंगाड़ा, आलू चौप, ब्रेड चौप। दोस्तों अगर सुबह का नाश्ता और शाम का नाश्ता करना अगर आपको बाहर में पसंद है तो आज मैं एक ऐसे जगह पे जा रहा हूँ, एक ऐसे होटल में जहाँ का नाश्ता बहुत ही फेमस है। वहाँ का कचौड़ी जो है इतना फेमस है कि उस गली का नाम ही कचौड़ी गली के नाम से फेमस हो गया है। और यहाँ पे नाश्ता क्या दोपहर में भी भीड़ लगता है, काफ़ी सारा भीड़ लगता है। तो यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ रहता है जिसके कारण हमको यहाँ वीडियो शूट करने के लिए और खाने के लिए आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे क्या क्या बनता है भैया? यहाँ कचौड़ी, सिंगाड़ा, आलू चौप, ब्रेड चौप। तो कितना बजे से लगाते हैं यहाँ पे दुकान? दुकान 9 बजे से चालू होता है भैया। 9 बजे से? हाँ। और कब तक चलता है? 6 बजे तक। 6 बजे तक? हाँ। और पूरा एकदम भीड़ रहता है एसी? हाँ पूरा भीड़ रहता है। तो देखिए यहाँ पे कचौड़ी को जो है तेल में दिया गया है और लगभग कितना देर लग जाएगा? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट कचौड़ी लग जाएगा पकने में। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यही चलता है कचौड़ी, पूरा इसको अंदर तक पकाया जाएगा, पूरा धीमी धीमी आंच में पकता है। देखिए लगभग 10 मिनट हो चुका है, यहाँ पे पूरा जो है कचौड़ी वो फूल गया है। तो कचौड़ी के अंदर क्या क्या भरते हैं? सत्तू। जैसे जैसे कचौड़ी पकता जा रहा है देखिए इसका कलर और पूरा भूरा कलर में आते जा रहा है, एकदम सुनहरा कलर में। वाह, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद देखिए इसका कलर बहुत ही भूरा भूरा सा आ गया है, अभी छान छान करके रखा जा रहा है। ये भैया जो हैं वो हमेशा खाने के लिए आते हैं ना? आज से नहीं, हमको लगता है 2-2.5 साल से यहाँ। आपका घर कहाँ हो गया भैया? ये रांची का ही हूँ मैं। हाँ, तो जब भी आते नाश्ता करने यहीं पे आते? हाँ, जब भी इधर ये रास्ता से कभी भी क्रॉस करता हूँ तो यहीं पे रुक के खा लेता हूँ। अच्छा लगता है खाने में भी और रेट वगैरह सब बढ़िया है भाई। देखिए इधर अभी दोपहर का 2 बज रहा है और भीड़ देखिए, दोपहर में जब इतना भीड़ है तो आप सोच सकते हैं इस शाम में कितना भीड़ रहता होगा यहाँ पे। कंटेनर में यहाँ जो है वो कचौड़ी और समोसे को रखा जाता है ताकि यहाँ का जो है वो मक्खी वक्खी ना लगे और पूरा फ्रेश तरीके से रखा जाए, हाइजीन को पूरा मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। अब देखिए कचौड़ी बनने के बाद यहाँ पे समोसे को बनाया जा रहा है। वाह भैया, तो यहाँ का क्रेज देखिए गाइस, लगभग भैया बोल रहे हैं कि 500-600 समोसा और 400-500 कचौड़ी बेच देते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे कचौड़ी पसंद करते हैं। कचौड़ी कैसे की जाती है? कचौड़ी और साथ में सब्जी देते हैं, आलू चना की सब्जी। हम सारा चीज़ 10 रुपये पीस है अभी। सारा चीज़ 10 रुपये पीस। प्याजी रहता है कितना करके प्लेट? वो भी 10 रुपये पीस है, एक प्लेट में 2 आता है, 20 रुपये लेते हैं पीस के हिसाब से। हाँ, गुलाब जामुन का रेट क्या है? गुलाब जामुन भी 10 रुपये पीस है। मतलब सारी चीज़ों का? सारा चीज़ है 10 रुपये पीस। भैया एक बार यहाँ का लोकेशन बता दीजिए, लोग कैसे आएंगे? ये है, इस गली का नाम है एस एन गांगुली रोड, एस एन गांगुली रोड। अगर आप जेवियर कॉलेज सजना चौक से होते हुए आइएगा तो जेवियर कॉलेज से सजना चौक की तरफ आइएगा और बड़े तालाब की तरफ जाइएगा तो आपको फर्स्ट लेफ्ट टर्न में आना है, उसी गली में है। लोग इसे कचौड़ी गली भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे कचौड़ी गली के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कचौड़ी गली ही बोलते हैं। तो समोसा का जो मेकिंग हो रहा है गाइस, पूरे बढ़िया से इसको पकाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम तक दे करके यहाँ पकाया जा रहा है। लगभग ये अभी 15 मिनट हो चुका है और अभी तक नहीं पका हुआ है। धीमी आँच में पूरा पकाया जाता है सारी चीज़ों को यहाँ पे ताकि पूरे अच्छे से पके। और यहाँ पे भैया हम लोग हाजिर का थोड़ा ख्याल भी रखते हैं और साथ साथ में नेचर से भी जुड़े रखते हैं और हम लोग सखुआ के जो पत्ते होते हैं उसके दोने में हम लोग सर्व करते हैं। अच्छा, वहाँ पे देख सकते हैं वो दोना रखा हुआ है। समोसा बन गया भैया? समोसा का साइज देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इसका जो रेट है वो 10 रुपये रखा गया है। अब जा रहा है ये कंटेनर में रखाने। भाई साहब यहाँ का भीड़ देख करके हमको लग रहा है अभी तक लगभग हम आधे घंटे से ऊपर हो गए यहाँ पे वीडियो शूट करते हुए और भीड़ हट ही नहीं रहा है। देखिए लेने के लिए भगदड़ देखिए कैसे मचता है यहाँ पे। यहाँ का भगदड़ ऐसा देख करके लग रहा है कि यहाँ का वाकई में इतना टेस्टी होगा। पेड़े के टाइप में जो है वो बनाया जा रहा है। तो इससे क्या बनेगा अभी? आलू चप? हाँ, ये आलू चप बनेगा। तो आलू चप के लिए जो है वो मसाला तैयार किया जा रहा है, पूरा बेसन में पहले लपेटा जा रहा है और लपेट लपेट के पूरा हमें दिया जा रहा है गर्मा गर्म तेल में खोलने, और पूरा गर्मा गर्म तेल जैसे खोल रहा है और अंदर अंदर से पूरा पक रहा है आलू चप। तो यहाँ पे आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, कचौड़ी, समोसा, आलू चप, ब्रेड चप, प्याजी, गुलाब जामुन और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
यहाँ का जो सबसे फेमस है वो कचौड़ी है, बट कचौड़ी का इतना क्रेज है ख़त्म हो गया, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना समोसा और आलू चप का ही टेस्ट कर लें। तो हम समोसा को टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये देखिए कितने अच्छे से पकाया गया है, पूरा एकदम क्रिस्पी है पूरा। तो इसमें जो हमको चटनी मिल गया है वो धनिया पत्ता का, और इसमें सारा मिक्स जो है मीठा चटनी वो भी हमने लिया। देखिए ये लिया मैंने दूसरा बाइट, वाकई में जो समोसा बना हुआ है बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। अंदर तक पूरा पकाया गया है, और जो एकदम टाइम दे करके जो इसको पकाया गया, जिसके कारण इसका टेस्ट है और भी अच्छा आ रहा है। अब हम टेस्ट करते हैं आलू चप। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, वाव, अंदर तक सॉफ्ट है। तो यहाँ भीड़ लगने का कारण जो है वो वाकई में सही है, क्योंकि यहाँ का जो है सारा चीज़ का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये यहाँ का जो टेस्ट है वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब कितने दिनों से यहाँ के खा रहे हैं? देखिए दिन तो नहीं बोलेंगे, साल बात कीजिए, साल 12 साल से कंटिन्यू यहाँ खा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या चीज़ लगता है? देखिए इनका सारा ही जो भी बनाते हैं, ब्रेड चॉप हो या समोसा हो, कचौड़ी हो, आलू चॉप हो, प्याजू सभी बेहतर है, बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो है कचौड़ी में, सॉरी आलू चॉप और प्याजी। अभी आप आलू चॉप खा रहे हो ना? जी हाँ। यहाँ आप अक्सर प्याजी और आलू चॉप खा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर खाना खाए हुए तो भी प्याजी का सेंट आता है, खा लेते हैं। आप मेकिंग भी देख सकते हैं, मेकिंग ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत गंदा जगह बन रहा है, तो अच्छा है वो सारा। ओके चलिए वेलकम। यहाँ का जो लोकेशन है गाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आपको यहाँ पहुँचने में आसानी होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको करते हैं हम फिनिश, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तब तक सही रहिए, स्वस्थ रहिए।